नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। प्रॉब्लम जेन्युइन है, डिस्कशन जेन्युइन है, एक्शन जेन्युइन है और साथ में अवेयरनेस भी जेन्युइन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ पॉर्न एडिक्शन, पॉर्न प्रमोशन, उसके खिलाफ एक्शन और साथ में पॉर्न एडिक्शन से हो रहे साइड इफेक्ट्स के ऊपर, यंगस्टर्स में अवेयरनेस। पिछले एक महीने से एक नाम गूंज रहा है चारों तरफ, आप लोग भलीभांति परिचित हैं, नाम है राज कुंद्रा। हर कोई बात कर रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में हर कहीं राज कुंद्रा के बारे में बात हो रही है। लेकिन हम कुछ हट करके बात करेंगे क्योंकि मंथन हब मंथन करने में मदद करे, इसलिए मंथन हब के व्यूअर्स जो देख पाते हैं, जो सोच पाते हैं, हर कोई सोच नहीं पाता। मंथन हब के व्यूअर्स का ध्यान वहां जाता है जहां पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। इन दिनों में आप सुन रहे होंगे राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्म क्या है? पोर्नोग्राफी बनाना, जबरदस्ती बनाना, उसे स्प्रेड करना, बेचना, तमाम सारी जुल्म के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। यहां पर सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाना, उसकी ही बात करना, कुछ ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो मीठे जहर बेचते हैं। क्या है मीठा जहर? मंथन हब में हम सॉफ्ट पॉर्न को मीठा जहर कहते हैं। फर्क इतना है पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न में, पॉर्न में पूरे शरीर के सभी पार्ट्स एक्सपोज रहते हैं, लेकिन सॉफ्ट पॉर्न में भी एक्सपोज रहते हैं, फिर भी कुछ सेंसिटिव पार्ट्स को ढक दिए जाते हैं और ये आभास भी कराया जाता है कि कुछ भी ढका हुआ नहीं है। ये माइंड गेम है। सोचिए क्या अंतर है दोनों में? दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के साइड इफेक्ट्स एक जैसे ही हैं। और मैं मानता हूं कि पॉर्न से भी ज्यादा खतरनाक सॉफ्ट पॉर्न है। हम यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे सामने कुछ एड्स डिस्प्ले हो जाती है। कभी देखा है इस तरह की एड्स आपने? अगर आप इस तरह की एड्स को बंद भी कर देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी बार ये एड आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगी। सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, हर कोई कर रहा है, मजबूरी है, कहाँ जाए। मैं एक सरकारी ऑफिस में गया था, मुझे एक ओपन माइंडेड क्लर्क मिले, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया और मुझे इसलिए बताया क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है, अगर वो मुझे जानते तो ये बात बताते नहीं है। कुछ ऐसे बात चल रही थी और चलते चलते उन्होंने ये बताया, एक उनका लड़का है जिसकी उम्र 12 साल है और एक लड़की है जिसकी उम्र 10 साल है, दोनों ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे और उनको पॉर्न देखते हुए पकड़ लिया है। ये इसलिए ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखते हैं या सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ऐड मिल जाती है या कुछ भी ऐसा देखते हैं और वो लोग क्लिक करते हुए पहुंच जाते हैं सॉफ्ट पॉर्न के वेबसाइट पर या ऐप्स पर या पॉर्न के वेबसाइट पर या ऐप्स पर। लेकिन इस जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, ईमानदारी से बात नहीं कर रहा है। राज कुंद्रा के खिलाफ एक्शन हुआ है और हो रहा है, उनकी बात करना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाना कितनी बुद्धिमानी है आप लोग सोचिए। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो सकता है तो हमारे देश में धड़ाके से जो मीठे जहर के एप्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है? सबको पता है, नाम तक पता है, हम लेना नहीं चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति के बारे में डिस्कशन हो सकती है, उसकी आलोचना हो सकती है, तो सबकी आलोचना हो सकती है, सबके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। हमारा इंटरेस्ट इतना ही है, मंथन हब परिवार का इंटरेस्ट इतना ही है, जो भी अथॉरिटी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि इस इशू को सीरियसली टेकअप किया जाए
इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, प्रॉब्लम के रूट तक पहुंचें, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें, और जो भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो पॉर्न हो या सॉफ्ट पॉर्न हो, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि समाज हम सबका है, हम सब इस समाज के हिस्से हैं, हम सबका इस समाज में आपस में गहरा रिलेशन है, इसलिए हम सबका ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का दायित्व है कि हम स्वयं भी जागरूक रहें और समाज को जागरूक करें। जो लोग पहली बार मंथन हब की वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, पॉर्न एडिक्शन रिमूवल, उसे आप जरूर देखिए। एक जरूरी महत्वपूर्ण सजेशन, पॉर्न एडिक्शन से बहुत ही जल्दी बचने के लिए, फास्ट बचने के लिए मंथन हब ब्रेन रिवायर प्लेलिस्ट जरूर देखें। खास करके मैं पेरेंट्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे टीन एज में पहुंच चुके हैं, खास करके लड़के, क्योंकि अभी तक हमने लड़कों के लिए ही प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप खोला है, उन्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन कराएं, उन्हें एक पॉजिटिव माहौल मिलेगा, उन्हें पर्सनली गाइडेंस मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर से कहना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है, एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो सबके खिलाफ एक्शन हो सकता है। प्रॉब्लम के रूट के बारे में डिस्कशन हो सकता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो सकता है, साथ में अवेयरनेस के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।